स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वुमन वर्सेस इंग्लैंड वुमन सेकंड ओडीआई मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा जंक्शन ओवल मेलबर्न पे, और यह मैच करीबन सुबह के 4:45 मिनट पे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 19 दिसंबर को विक्टोरिया वुमन वर्सेस न्यू साउथ वेल्स वुमन्स के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आपको अगर याद होगा यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर ना इसी साल बिग बैश लीग के मैचेस हुए थे, तब के दोस्तों पिच की फोटो, सबसे लेटेस्ट फोटो आप देख सकते हो पिच को। यहाँ पर इस पिच की दोस्तों खासियत क्या है, जो पिच है ना दोस्तों यहाँ पर, ये पिच दोस्तों बहुत बढ़िया है बैटर्स के लिए, यहाँ पर रन्स बनते हैं। और स्पेशली जब भी यहाँ पे वुमन्स के 50 ओवर के मैच हुए ना, 50 ओवर गेम, तब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, जो स्पिनर्स होते हैं ना भाई साहब, इस वेन्यू के ऊपर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेस करना पसंद करेगी। यहाँ पर आउट ऑफ लास्ट 6 वुमन्स ओडीडी गेम्स जो टीम चेस करी है 4 मैच जीती है, जो टीम दोस्तों बैट फर्स्ट करी यहाँ पे 2 मैच जीती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बढ़िया पिच रहेगी, हल्की सी यहाँ पे ग्रास भी पिच के ऊपर, लेकिन आपको पता ही है वुमन मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर जब भी मैच हुए स्पिनर्स दोस्तों अच्छी गेंदबाजी करी है यहाँ पर। तो पिच को दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर यहाँ पे बिग बैश लीग के मैचेस होते, आप देख भी सकते हो मेलबर्न स्टार्स वर्सेस स्पर्स कोचेस का मैच हुआ था, इसके अंदर सबको पता होगा बहुत सारे प्लेयर्स कोविड पॉजिटिव आ गए थे, बस एक ग्लेन मैक्सवेल बचे थे, जो क्लार्क के बचे थे वो दो ही खेल रहे थे उस टीम के अंदर, रिल्टन कार्टराइट थे, 3-4 प्लेयर्स थे अगर आपको याद हो तो। वो मैच भी दोस्तों अपन ने कवर करा था, बहुत बढ़िया दोस्तों अपना मैच था वो भी, और अभी भी बहुत मिस करता हूँ दिल से कहूँ तो आपको बिग बैश लीग को। क्या दोस्तों लीग थी यार वो, मतलब यार गजब लीग थी, ठीक है, उसे दोस्तों मजा आ गया था कवर करके, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, जिस पिच की, आप देख सकते हो जब यहाँ पे 19 दिसंबर को मैच हुआ था ना लास्ट वुमन्स का, तब की फोटो, ठीक है, लास्ट टाइम जब यहाँ पे वुमन्स का मैच हुआ था तब की फोटो है। अगर आपको याद हो दोस्तों यहाँ पे आंधी तूफान आ गया था, फिर यहाँ पे एलिस पेरी वगैरह ने पिच को आके ढका था, ठीक है। ऐसी दोस्तों पिच दिखती है, ऐसा दोस्तों स्टेडियम है, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, इसको दोस्तों अपन सिटी पावर सेंटर पार्क भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इसके 2-3 नाम है, ट्रेडिशनल नाम जंक्शन ओवल है, ऐसा स्टेडियम दिखता है दोस्तों, कितना प्यारा स्टेडियम लग रहा है। आप देखो यार पास ही में नदी बहती है, यहाँ पे दोस्तों स्टेडियम है, ये बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटी पावर सेंट्रल पार्क जंक्शन ओवल को, आप देखो दोस्तों आपको ध्यान देना, जो वेन्यू है ये जंक्शन ओवल मेलबर्न, होम ग्राउंड है किसका, विक्टोरिया वुमन का। बताऊंगा दोस्तों कौन कौन यहाँ पे विक्टोरिया वुमन की प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लास्ट 10 साल के अंदर एक मैच खेली है वुमन्स के अंदर और एक मैच जीती है, जो टीम बैट फर्स्ट करिए 2 मैच जीती, टीम चेस करिए 4 मैच जीती, स्कोर 220 से 280 दिखता है, हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। लास्ट 6 मैच के अंदर क्या हुआ था, पेसर मतलब तेज गेंदबाज 36 विकेट है, पहली पारी के अंदर 25 तेज गेंदबाजों के, दूसरी पारी के अंदर 11 विकेट्स हैं, राइट आर्म पेसर 35 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर का 1 विकेट है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों पहली पारी के अंदर जो तेज गेंदबाज है इंपॉर्टेंट है, 25 विकेट है, दूसरी पारी में मात्र 11 विकेट्स हैं। स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स भी दोस्तों पहली पारी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल मिला के लास्ट 6 मैच के अंदर 44 विकेट्स है 44, पहली पारी के अंदर 26 है, दूसरी पारी के अंदर 18 है। तो आप समझ सकते हो दोनों तरफ से स्पिनर्स लेके चलना है आपको, ऑफ स्पिनर्स के 22 विकेट है, लेग स्पिनर्स के 9 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पे 13 विकेट है। जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था 19 दिसंबर की बात है, विक्टोरिया वुमन वर्सेस न्यू साउथ वेल्स वुमन्स के बीच में मैच था, 9 विकेट पेसर्स के थे, 5 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के थे। सन्नी वेदर रहेगा, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो। न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं दोनों टीम्स में दोस्तों, ठीक है। लास्ट टाइम मैं बताऊँ कवर ही करा था ना यार, क्या दिक्कत थी, दोनों टीम्स बढ़िया है, कोई चेंजेस नहीं है। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर लास्ट 5 साल के अंदर 7 मैच खेले हैं, और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों अपन कह सकते हैं इसको 6 कर लेना, क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, तो कह सकते हैं लास्ट 5 साल के अंदर 8 मैच हुए, ऑस्ट्रेलिया जीती है 6, इंग्लैंड जीती है 2। लाइनअप्स की बात करते हैं यहाँ पे तो एलिस एली ओपन करती हैं रेचल एनिस के साथ, मैग लनिंग है, एलिस पेरी है, बेथ मोनी है, एस्ले गार्डनर, तलिया मगराद है, जय जोनसन, एलना किंग, मैगन शाउट है यहाँ पे, फिर डरेस ब्राउन है, डर्सी ब्राउन बहुत अच्छी गेंदबाज है दोस्तों, उनके बारे में हमने चर्चा भी करी थी। इंग्लैंड वुमन की बात करते हैं तो यहाँ पे टैमी बॉर्नट, लॉरेन मिडफील्ड है, नेट सीवियर है, इधर नाइट है, एमी जोन्स है, सोफिया डंगली है, कैथरीन ब्रंट, एक्लेस्टोन, एना शुबर्सोल, सारा ग्लेन इस मैच में खेलनी चाहिए। स्पिनिंग ट्रैक का थोड़ा सा आपको इस मैच में सारा ग्लेन खेलती दिख सकती है, चांसेस है, कैट क्रॉस आपको दिखेंगी, इवन दोस्तों चार्ली डीन आ सकती है यहाँ पे। मैं दोस्तों यहाँ पे डेनी वाइट को नहीं खिलाता, क्यों, एक तो बहुत नीचे खेलती हैं और कभी कभी दोस्तों 10 में से एक मैच में चलती हूँ ओडीआई के अंदर नीचे खेलती है। तो अब यहाँ पे होम ग्राउंड है मैग लनिंग का, यहाँ पे इनके स्टैट्स देखना है, वेन्यू स्टैट्स आपको, भाई क्या स्टैट्स हैं यहाँ पे मैग लनिंग के, अद्भुत
अब विश्वसनीय स्टैट्स है, एलएस पेरी का होम ग्राउंड है, एलना किंग का होम ग्राउंड है, एनबल सदलन का होम ग्राउंड है। ठीक है, चलते हैं प्रैक्टिस स्टैट्स, आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताए थे। ये एडवर्ड स्टैट्स है, इनको दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये, इसमें बहुत टाइम लगता है समझाने में। तो देखो आप, जब ऑस्ट्रेलिया वुमन और इंग्लैंड वुमन के बीच में मैच हुआ है ना ओडीआई के अंदर, तो क्या हुआ था आप देखो यहाँ पे, एलिस अली ने खेले हैं अगेंस्ट इंग्लैंड वुमन, 18 मैच 28 के औसत है, अपडेटेड स्टैट्स है, फर्स्ट ओडीआई को इंक्लूड करके 396 रन है, बैट पर 27 के औसत है, 11 मैच में 214 रन है, चेस के ऊपर 30 के औसत है, 7 मैच में 182 रन है। तो आप देख सकते हो इसने इंग्लैंड वुमन के खिलाफ बैट फर्स्ट बैट सेकंड में क्या करा था, सब लिखा है मैंने यहाँ पे। रैचल रन की बात करते हैं तो 16 मैच के अंदर 20 के औसत है अगेंस्ट इंग्लैंड वुमन, 263 रन है, बैट फर्स्ट के अंदर 24 के औसत है, 8 मैच में 166 रन है, बैट सेकंड में 8 मैच में 16 के औसत है, 95 रन है। मैग लेनिंग के स्टार्ट दोस्तों अद्भुत है, यहाँ पे लीजेंडरी प्लेयर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे प्लेयर दोस्तों बहुत ही कम दशक के अंदर पैदा होता है, सीधी बात आपसे कहूँ दोस्तों, ऐसी प्लेयर है। खुद यहाँ पे मैंने बड़े बड़े दोस्तों जो कोच है यहाँ पे कॉमेंटेटर्स, उन्होंने दोस्तों वर्ड यूज़ करें इनके लिए, जी एस समथिंग। बात करते हैं बेथ मोनी की, ये भी दोस्तों बहुत अच्छी प्लेयर है, 5 मैच के अंदर 48 की औसत है, 191 रन है, प्राइम फॉर्म के अंदर आप ट्राई कर सकते हो। मैं कहूँगा दोस्तों बेथ मोनी थोड़ी रिस्की हो जाएंगी, नीचे खेलती हैं थोड़ा सा, इवन एलिस पेरी के नीचे खेलती हैं। एलिस पेरी के स्टैट देख सकते हो, इनके स्टैट सबसे बेहतर है यहाँ पे एलिस पेरी की, दिक्कत क्या है फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है एक साल से एलिस पेरी का, इवन वुमन बिग बैश लीग अच्छी नहीं गई, फिर दोस्तों WNCL के अंदर भी इन्होंने इसी वेन्यू के ऊपर शतक जड़ा था। मैं आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ पर इसी वेन्यू के ऊपर एलिस पेरी ने अभी हाल ही के अंदर दिसंबर की बात है वहाँ पे शतक जड़ा था। देखते हैं दोस्तों क्या वो अपना फॉर्म बरकरार रख पाती है। हेड टू हेड स्टैट देख लो, 29 मैच 40 की औसत है, 762 रन अगेंस्ट इंग्लैंड वुमन। ठीक है, सारे स्टैट्स आप देख सकते हो, तलिया मगरात के 3 मैच में 3 विकेट, अजय जॉनसन के 17 मैच में 24 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ, एन लकिंग का 18 रन 0 विकेट था, मैगन शॉट का 14 मैच में 25 विकेट था, डेस्यू रन का 4 विकेट था। स्टार्टिंग और मैगन शॉट है, एलिस पेरी, तलिया मगरात है, डेथ ओवर में आएंगे दोस्तों यहाँ पर मैगन शॉट, तलिया मगरात, जय जॉनसन। इवन दोस्तों आप यहाँ पे स्टार्टिंग ओवर में जोड़ लो डर्सी ब्राउन को। इंग्लैंड वुमन की बात करें तो भाई साहब टैमी बर्नर्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जनता को अवॉइड कर रही है, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए करीबन लास्ट 3-4 साल के अंदर इंग्लैंड वुमन के लिए। ये एक ऐसी प्लेयर है दोस्तों जो हमेशा चलती हैं। इनका ऑस्ट्रेलिया वुमन के खिलाफ 9 मैच में 300 रन है, लेजेंडरी प्लेयर है, बैट फर्स्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेन विनफील्ड बैट फर्स्ट में 26 के औसत है, बैट सेकंड में 20 के औसत है, और हेड टू हेड के अंदर 6 मैच में 71 रन है। नेट चोर इंपॉर्टेंट है, हिदर नेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है स्पेशली बैट फर्स्ट में, बैट सेकंड में लो स्कोर से 25 के औसत है, बैट फर्स्ट में 38 के औसत है अगेंस्ट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वुमन। इंग्लैंड उनकी तरफ से तो खेलती हैं, हमें जो उनके स्टैट्स डंगली के हैं, कैथरीन बंट इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक्लिस उनका 6 मैच में 7 विकेट है। ये स्टैट दोस्तों मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है आपका टाइम ज़्यादा मैं ज़ाया कर रहा हूँ, तो सीधा आपको लेके चलता हूँ हेड टू हेड की तरफ। कैट ग्रॉस का मैंने आपको पहले भी कहा था कि बॉल फर्स्ट के अंदर इसका 16 मैचेस में 29 विकेट्स हैं, बॉल सेकंड में 20 मैच में मात्र 24 विकेट, तो बॉल फर्स्ट में बहुत अच्छा करती है कैट ग्रॉस। स्टार्टिंग और कैथरीन ब्रंट, अनायश रुबुसोल, नेट सीवियर, डेथ में एक्लिस्टोन है, कैथरीन ब्रंट है, नेट सीवियर है। अब दोस्तों असली कहानी से स्टार्ट होती है वेन्यू स्टैट्स की तरफ। ठीक है, हेड टू हेड स्टैट्स आपको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दिया था, मैं इसलिए दोस्तों चीज़ों को खींच रहा था आपको समझा सकूँ हेड टू हेड स्टैट्स के बाद वेन्यू स्टैट्स अच्छे से। तब देखो यहाँ पर सीरियस हो जाओ, जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमन खेलती है तो क्या होता है, एलिस अली ने यहाँ पर ओडीआई खेले हैं कितने, 4 46 चेस के ऊपर, 4 बैट फर्स्ट, फिर चेस के ऊपर बैट नहीं करा, फिर 0 बैट फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर ओडीडी के अंदर उन्होंने क्या करा, 65 बैट फर्स्ट, 21 बैट फर्स्ट, 13 बैट फर्स्ट, 51 बैट सेकंड है, 0 बैट फर्स्ट है, 13 बैट फर्स्ट, 4 बैट फर्स्ट है, तो ठीक ठाक दोस्तों पारी है करी उन्होंने यहाँ पे। रचल रन ने यहाँ पे अच्छा करा है जब भी खिलाए, ये दोस्तों ग्रैंड लीग पिक हो सकती है बहुत अच्छी। 46 यहाँ पे ओडीआई के अंदर चेस करते हुए, 75 नॉट आउट बैट फर्स्ट है, चेस करते हुए बैट नहीं करा, फिर यहाँ पे 34 नॉट आउट बैट फर्स्ट है। ओडीडी के अंदर घरेलू मैचेस के अंदर 15 बैट फर्स्ट, 60 बैट फर्स्ट, 10 बैट फर्स्ट है, 96 चेस के ऊपर, 24 बैट फर्स्ट, 10 बैट फर्स्ट, 17 बैट फर्स्ट है। मैग लेनिन ने यहाँ पर ओडीआई के अंदर 48 करा चेस करते हुए। ओडीडी के अंदर देखो यहाँ पर इनका घरेलू मैदान है, ये खेलती है दोस्तों विक्टोरिया वुमन के लिए, 6 चेस के ऊपर 91 नॉट आउट चेस के ऊपर, 52 चेस के ऊपर 105 बैट फर्स्ट, 28 बैट फर्स्ट, 12 बैट फर्स्ट, 14 चेस के ऊपर 51 चेस के ऊपर, 37 चेस के ऊपर रन आउट हुई थी उस मैच में, 66 बैट फर्स्ट, 22 बैट फर्स्ट है, फिर 103 चेस के ऊपर 59 दोस्तों यहाँ पे चेस के ऊपर था। बात करेंगे यहाँ पे किसकी, बेथ मोनी की, तो यहाँ पे 35 नाबाद चेस करते हुए ओडीआई के अंदर, ओडीडी के अंदर 5 था यहाँ पे चेस करते हुए, गार्डनर का यहाँ पे ओडीआई के अंदर 3 विकेट है। ओडीआई मतलब जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं ना जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं प्लेयर्स, ठीक है, ओडीडी मतलब घरेलू मैच, इसके अंदर 31 था बैट फर्स्ट, 61 था बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट था, फिर 18 चेस के ऊपर 2 विकेट है, 57 रन बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट था। पेरी का यहाँ पर आप देखो ओडीआई के अंदर
इंटरनेशनली 54 नॉट आउट चाहिए उसके ऊपर। 30 रन बैट फर्स्ट प्लस 3 विकेट था, 5 विकेट हॉल है, फिर यहाँ पे 22 रन नॉट आउट प्लस 1 विकेट था बैट फर्स्ट करते हुए। ओडीडी के अंदर आप इनके परफॉर्मेंस देख सकते हो कैसा है, 28 रन चेस के ऊपर, 24 रन बैट फर्स्ट, 62 रन नाबाद चेस के ऊपर, 19 नाबाद चेस के ऊपर, 1 रन नाबाद चेस के ऊपर, 12 रन बैट फर्स्ट, 12 रन बैट फर्स्ट, और अभी हाल ही के अंदर 120 करा था, आई थिंक 17 दिसंबर की बात है, फिर 19 दिसंबर को 12 करा था इसने। करिया मगरात ओडीडी के अंदर 0 विकेट 0 रन, फिर 1 विकेट 7 रन है। कैरी का आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैट्स, जय जैसन के अच्छे नंबर्स हैं, मात्र 2 मैच में 5 विकेट है और रन भी अच्छे खासे कर रहे हैं, 43 एंड 25 रन है। एनला किंग ने यहाँ पे खेलने हैं कुल मिला के 4 मैच और कुल मिला के 5 विकेट्स हैं, अच्छे नंबर्स हैं, पर रिसेंटली लास्ट 2 मैच में विकेटलेस गई थी यहाँ पे। मैगन शाउट का दोस्तों 1 मैच में 0 विकेट है यहाँ पे बॉल फर्स्ट करते हुए। ओडीआई के अंदर, ओडीडी के अंदर भी 2 मैच के अंदर विकेटलेस गई हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए। डर्सी ब्राउन यहाँ पे नहीं खेली ओडीडी, ये चीज़ आपको ध्यान देनी थी। यहाँ पे बात करते हैं इंग्लैंड वुमन की, तो यहाँ पर 2015 की बात है, 1 नवंबर की बात है, तब यहाँ पे दोस्तों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस विक्टोरिया के बीच में मैच हुआ था, तब डैनी वाइट खेल रही थी, 2 मैच हुए थे उसके अंदर, 58 करा चेस करते हुए, 23 रन करा चेस करते हुए, दोनों में एक विकेट निकाला था। मैचअप्स की बात करते हैं तो आप मैचअप्स देख सकते हो, एलायस हेली का स्ट्रगल यहाँ पर किसके सामने है, मैचअप आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैट ग्रॉस के सामने 84 गेंद 97 रन, 2 बार आउट हुए हैं, पर ज़्यादा मैचअप है इनका कैथरिन ब्रेंट के सामने, 157 गेंद 168 रन, 6 बार आउट करा है। एक्लिस टूनिन को 157 गेंद के अंदर 118 रन देके 4 बार आउट करा है। नेट स्यूअर ने 102 गेंद के अंदर 133 रन देके 5 बार आउट करा है। इस तरह से आप पूरा मैचअप समझ सकते हो। रैचल एनिस का स्ट्रगल नेट स्यूअर के सामने 94 गेंद 76 रन और यहाँ पर 3 बार आउट करा है, तो आप मैचअप दोस्तों पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। एक्लिस टून का और मैगलेन का अच्छा मैचअप है। कैट ग्रोस के सामने दोस्तों लास्ट टाइम आउट हुई थी, लेकिन मेरे को लगता नहीं यार कोई ज़्यादा मैचअप है कैट ग्रोस को और मैकलेन का। एशले गार्डनर वर्सेस एक्लिस टून 3 बार आउट करा है, इनका अच्छा मैचअप है। 58 गेंद के अंदर 57 रन देके नेट स्यूअर ने भी 70 गेंद में 93 रन देके 3 बार आउट करा है। एलायस पेरी वर्सेस नेट सीवियर 3 बार आउट करा है। कैथिन ब्रंट ने 3 बार आउट करा, अच्छा मैचअप है इनका। बेथ मूनी वर्सेस है कैथिन ब्रंट 4 बार आउट करा है। एक्लिस टून ने 4 बार आउट करा है, तो भी दोस्तों अच्छा मैचअप है। टैमी बॉनेट वर्सेस है, ये अच्छा मैचअप रहेगा दोस्तों कौन सा, जैक जॉनसन का 171 गेंद 140 रन, 6 बार आउट करा है। पेरी ने 6 बार आउट करा है, लेकिन दोस्तों पेरी अपने प्राइम फॉर्म के अंदर नहीं है, आपने देखा रहेगा दोस्तों प्राइम फॉर्म में एलायस पेरी पहले हुआ करती थी, अब दोस्तों उनका फॉर्म नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों फॉर्म आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लेयर हुआ करती थी यार एक टाइम पे, इनका दबदबा था इंटरनेशनली पूरे क्रिकेट जगत के अंदर, पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबका टाइम आता है जाता है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, लाइफ के अंदर मूव ऑन करना पड़ता है। मैगन शॉट यहाँ पे 5 बार आउट कर चुकी है टैमी बॉनेट को, 201 गेंद के अंदर 145 रन देके। लास्ट टाइम इन्होंने आउट करा था, एज करा था डर्सी ब्राउन ने, आई थिंक आउट करा था, डर्सी ब्राउन ने आउट करा था लास्ट मैच में, एज लगा था इनका, फर्स्ट स्लिप पे गेंद गई थी। डैनी वाइट वर्सेस एलायस पेरी 5 बार आउट करा है, और फिर यहाँ पे मैगन शॉट ने 6 बार आउट करा है। नेट सीवियर वर्सेस आप देख सकते हो एलायस पेरी हैं, और यहाँ पे लास्ट मैच के अंदर दोस्तों आपको बताइए इनका मैचअप बनता है किसके सामने, जे जैसन के सामने बनता है, मैगन शॉट के सामने बनता है, 3 बार आउट कर रखा है। हीदर नाइट का शकल डर्सी ब्राउन के सामने लास्ट मैच में दोस्तों LBW करा था इनको, सीधा प्लम्पी सामने बॉल लगी थी इनके पैड के ऊपर, पहली गेंद फेस करी थी वो उनकी, तो इनका भी मैचअप है, और ज़्यादा किसी सामने स्ट्रगल नहीं है। एमी जोन्स वर्सेस एलायस पेरी, और यहाँ पे एस्टे गार्डनर के सामने भी मैचअप है। लॉरेन विनफील्ड लील वर्सेस मैगन शॉट 6 बार आउट करा है। थलिया मगरात ने 3 बार आउट करा है। कॉमन कैप्टन थलिया मगरात नेट स्वीवर, बड़ी लिस्ट में आप बनाओ दोस्तों यहाँ पर कैप्टन, ये 2 सबसे बड़ी प्लेयर्स है, थलिया मगरात नेट स्वीवर मैगलेन, कैथिन ब्रेंट भी एक अच्छी विकल्प है, क्योंकि वो बैट करती हैं बॉल करती हैं 10 ओवर डालती हैं, डेथ ओवर में भी आती हैं, नई गेंद से भी गेंदबाजी करती है कैथिन ब्रेंट। अलग जाना है गार्डनर हीदर नाइट कैट ग्रॉस को भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक प्रॉपर बैटर है, रन बनाती हैं वो। बात करेंगे टीम्स की, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे दोस्तों टाइम दे जरा इंटरनेट को, वाईफाई को भी लोड होने में लगता नहीं, हाँ चालू हो गया दोस्तों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर ये दोस्तों टीम्स रहेगी शायद तक, जितना मोस्टली मुझे लग रहा है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर नेट स्वीयर कैप्टन रहेंगी, और यहाँ पे दोस्तों जनता बताऊँ किसके साथ गई है, जनता दोस्तों यहाँ पे गई है, सिलेक्शन परसेंटेज आप लगाओगे तो बेथ मुनी के साथ गई है, वो भी दोस्तों सही गरीब, क्या कर सकते हैं फॉर्म अच्छा था इनका, पर आपको कहूँ दोस्तों अगर बेथ मुनी को लेना से ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों आप रैचल एनिस को ले लेना, इज अ स्टार प्लेयर। हाल ही के अंदर यहाँ पे 17 और 19 दिसंबर को ये दोस्तों यहाँ पे मैच खेल के आ रही है, स्वेनिका उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छे से एक्सपीरियंस है पहले से, तो उनको एक्सपीरियंस यहाँ पे है। न्यू साउथ वेल्स की प्लेयर हैं, अभी न्यू साउथ वेल्स का मैच ही हुआ था यहाँ पे 17 और 19 दिसंबर को, 2 बार मैच हुआ था यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो अब देखो दोस्तों ग्रैंड लीग में क्या करना है, टू गेट समथिंग, बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ दोस्तों डायलॉग, हंसना मत, टू गेट समथिंग यू नेवर हैड,
देन यू हैव टू डू समथिंग दैट यू नेवर डन इन द पास्ट. इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ में जिसको कुछ आपको बड़ा पाना है ना, तब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं करा. दोस्तों बहुत सीरियस वर्ड्स हैं, हल्की वर्ड्स हैं, लेकिन आपको दूसरों को सीरियस लेना चाहिए कि लाइफ में आप कोई भी फील्ड के अंदर हो, अगर आपको कुछ बड़ा पाना है ना, तो आपको दोस्तों ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं करा हो. अगर दोस्तों आप सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो और आप दुआ करते हो कि यार मेरे साथ अच्छा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा. मेरी बात मानो दोस्तों, या तो क्विट कर दो इसको, या दोस्तों कुछ बड़ा कर दो लाइफ के अंदर, कॉपी पेस्ट मत करो यार, ठीक है. हेलो सैली टॉप मोस्ट पिक है नेमी जोन्स दोस्तों, अच्छी विकेट आपके पास, वही बात है. हेली दोस्तों आएंगी यार, या तो पार जोन्स दोस्तों आपको थोड़े बहुत नीचे खेल के रन देती हैं, पर हेली के स्टैट दोस्तों वैन्यू पे ठीक है, इतने ख़राब भी नहीं यार. फिर बात करते हैं मैगलनिंग की, स्टार प्लेयर है, बेथ मुनी आपके ऊपर निर्भर करेगा, अच्छी प्लेयर है, थोड़ा नीचे खेल रही है, इनके बदले दोस्तों आप एलाइस पेरी को ट्राई कर सकते हैं, होम ग्राउंड है इस मैच के अंदर, दो तीन ओवर गेंदबाजी भी कर जाती हैं. एलाइस पेरी कैन बी द डिफरेंशियल पिक इन द ग्रैंड लीग्स फॉर दिस गेम स्पेशली. टेमी बर्नार्ड इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मेरी फेवरेट प्लेयर हुआ करती है दोस्तों, अभी भी है यार, हुआ करती थी नहीं, हुआ करती है, ग्रैंड लीग पी गए रैचल एनिस ओवर बेथ मुनी, वही बात कहूँगा. नाइट दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इनको ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की होता है हमेशा. डेनियल वाइट थोड़ी रिस्की है यार, तलिया इंपॉर्टेंट, ब्रंट इंपॉर्टेंट, नेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैंड लीग पिक एलाइस पेरी है, एशले गार्डनर आपके ऊपर निर्भर करता है. चलेंगे आप कैट ग्रोव्स के पास, शीगन बैट, डेरेस ब्राउन दोस्तों गतिन के पास, देखते हैं क्या करती हैं. मैगन शॉट इंपॉर्टेंट रहेंगी, जेजनसन इंपॉर्टेंट, एक्लिस्टोन दोस्तों अच्छी प्लेयर है, शीगन बैट, शीगन बोल, वही बात है, ग्रैंड लीग पिक है फिर से, स्मॉल लीग में तो जनता अवॉइड कर रही है. अनाशर बुसोल रिस्क एलना किंग भी आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग्स के अंदर, और वो भी फर्दर अपडेट्स आएगी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन, सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा, जुड़ जाइए, सुबह 4 बजे जुड़ जाना दोस्तों. मैं आपको प्री गेम शो के थ्रू दोस्तों चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे को तो 4 बजे उठना पड़ेगा ठीक है यार, लेकिन चलता है, क्या दिक्कत है यार, आप तो दोस्तों मैं हूँ, ये दोस्तों लाइफ है. लेकिन यार सोच रहा मैं कितने बजे सोऊंगा यार, 12 बजे के आसपास सोऊंगा, 1 बजे के आसपास स्टैट्स निकाल के, फिर 4 बजे उठूंगा यार, फिर सुबह प्रैक्टिस सेशन है 7 बजे, देखता हूँ दोस्तों किस तरह से चीज़ें चलती हैं. ठीक है, टेक केयर, जय हिंद.